देखिए पानी कितनी तेजी से यहाँ से गुजर रहा है। कुछ सामान उतार रहे हैं, बहुत ही अच्छा विजिट आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज और नई वीडियो के साथ आज मैं हाजिर हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बहुत ही दरिया बह रहा है और आज मैं दरिया पर आया हूं आपको दरिया का विजिट कराने। और आज मैं आपको बताऊंगा कि दरिया कितना चढ़ा हुआ है और कितना पानी यहां से गुजर रहा है। तो हम आगे की तरफ जाएंगे और आपको दरिया का विजिट कराएंगे। वीडियो पसंद हो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी किश्ती का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने भी पार जाना है। वो बैठे हुए हैं किश्ती का इंतजार कर रहे हैं और मैं जाता हूँ वहाँ पर और उनसे पूछता हूँ कि आपने कहाँ जाना है और कैसे यहाँ से गुजरना है दरिया। ये हवा भी बहुत तेज चल रही है दरियाए रावी पर। अब जब गांव में दाखिल हो जाते हैं तो ऐसी हवा नहीं खुली लगती, तो उस लोगों के पास चलते हैं और पूछते हैं। लोगों के पास में आ चुका हूँ, ये एक भाई बैठा है, इसे पूछते हैं। वालेकुम सलाम भाई साहब, कहाँ से आए आप? जड़ाले। बाहर जाना आपने? अब बाहर जाना जा रहा थे, पानी बड़ा आया था यार। पानी तो अभी तक आप यहीं से गुजर रहा है, जो वीडियो वीडियो मीडिया पर बहुत शोर मचा हुआ है अभी। इंडिया वालों ने पानी पाकिस्तान में छोड़ दिया है, क्या सच है? ये पानी पूरी छिड़े ही कोई नहीं, आपका ये लाहौर का गंदा पानी सारा सामने। आप यहाँ खड़े रहो ना, मैंने जो इंडिया वालों ने पानी छोड़ा है। हाँ दहन होना, पानी अगे भी छड़ा था तो हूँ बहुत पीछे पैदल छाड़ दिता है पानी। अभी तो कितने घंटे हुए पानी छोड़े हुए? कुछ 4-5 घंटे आते हुए। 4-5 घंटे? उन्होंने कहा है भी 24 घंटों में आपके पास पानी पहुंच जाएगा, तो ये परसों का छोड़ा हुआ पानी अभी तक नहीं पहुंचा। ये पहले वाले दरिया पानी लंग गुजर रहा यहाँ से। नजदीक आ चुकी है, 88 ज्यादा सलाब हो। रोड गया लाहौर पूरा सारा है पानी ने, तो अगर अंदर लाहौर दबाई ले जानी लाहौर सारे। तो यहाँ पर जो बैठे हैं किनारे के पास दरिया के, तो वो ये खबरें सुन के न्यूज़ की, तो यो वो जा चुके हैं यहाँ से अपना सामान फोन और भैंस वगैरह लेकर यहाँ से जा चुके हैं। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़े ही यहाँ पर घर बने हुए हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। वो देख सकते हैं आप, किश्ती भी आ रही है हमारे पर और यहाँ पर मुसाफिर उतरेंगे और आपको नाज़र दिखाएंगे अच्छी तरह। सुन कर मैं दिखा देता हूँ भी किश्ती आ रही है आस्ता आस्ता हमारी तरफ। और भाई से और सवाल पूछते हैं कि दरिया के हवाले से। ये सभी खड़े हुए हैं और किश्ती को देख रहे हैं सारे। तेजी से यहाँ से गुजर रहा है, क्या आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड इसके पानी की जा रही है। इसी बार चले गए और हम अकेले यहाँ पर खड़े हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हवा बहुत चल रही है और इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको अच्छी तरह। मैं किश्ती के
दोबारा ऊपर चढ़ो। यहाँ पर बहुत ही मजा आ रहा है और खुली हवाएं चल रही हैं और हम किश्ती पे ऊपर खड़े हुए हैं और जो किश्ती वाले लोग हैं वो सभी जा चुके हैं और हम अकेले हैं यहाँ पर। ये चारों ओर देख सकते हैं हम नीचे लहर चुके हैं और इंजॉय कर रहे हैं खुले, और ये किश्ती इसके साथ भी चलती है, ये जो जनरेटर लगा हुआ है और वो जो लंबा सारा बांस है वहाँ पर पड़े हुए दो उसके साथ भी चलाते हैं। और एक और चीज है उसके साथ भी चलाते हैं, जब पानी तेज हो तो ये जो जनरेटर है इसके साथ चलाते हैं, जब आस्ता पानी हो दरिया अपनी रॉ में चल रहा हो तो बांस के साथ चलाते हैं। तो इसलिए उन्होंने अलग अलग चीजें रखी हुई है इस किश्ती पर। तो किश्ती है ये लोग बाहर से आए हैं, ये कुछ सामान उतार रहे हैं बेड़े से, पार से आया बेड़ा और सामान उतार रहे हैं। इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि सुकून आ रहा है, ठंडी हवा चल रही है। पीछे अभी भी उतार रहे हैं कुछ सामान बेड़े से, हमने पार नहीं जाना, हमने इधर ही रहना है, पार चले गए तो वापस नहीं आया जाना। ये देख सकते हैं आप कितना दूर किनारा है, इसलिए हम यहाँ पर ही आपको अच्छी तरह दिखा सकेंगे। देखें अब उतार लिया उन्होंने सामान और ये पीछे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा विजिट आ रहा है बेड़े का। पानी बहुत गहरा है, आप पार ना जाएं। तो ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं ये रास्ता बना हुआ पानी का, इधर नहीं हम जा सकते। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अगर पसंद आए और इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।